नमस्ते, सो श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है गौ माता वायरल रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये गाय जो है वो आती है इस शॉप के ऊपर। तो भाई देखते हैं कि क्या स्टोरी है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है भारत में और सजेशन में आई है, तो चलते हैं देख लेते हैं इस वीडियो को। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। दरवाजा खुला नहीं है, फिर अपने आप दुकान खोल सकते हैं यहाँ पर। अरे दादा भाई, ये करिश्मा से कम नहीं। दोस्तों, हमारे साथ चंद्रमणि भी है और चंद्रमणि के मालिक भी है। कैसे तो भी मैं हूँ रायपुर के पंडरी में और देख सकते हैं यहाँ पर एक साड़ी का दुकान है, मनोहरा साड़ी करके। यहाँ पर एक गौ माता आती है और मालकिन की तरह अंदर में घुस जाती है और बैठे रहते हैं। ऐसे करके एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से है दुकान। यहाँ पर एक दुकान है, साड़ी का दुकान है यहाँ पर। तो भी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर पंडरी में और दुकान के फ्रंट पर खड़ा हूँ। देख सकते हो यही दुकान है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, साड़ी दुकान है। यहाँ पर एक गौ माता आती है और बैठी रहती है, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप लोग भी देखे होंगे वीडियो सोशल मीडिया में, ये देख सकते हो यही दुकान है। चलिए दोस्तों, अंदर घुसते हैं और इस खबर के बारे में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी देते हैं। हो सकता है गौ माता भी आया होगा और उनके मालिक भी होगा, तो बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीका से है दुकान के आसपास का सीन, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना? तो चलिए अंदर घुसते हैं और आप लोग दिखाते हैं यहाँ का सीन। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ का सीन आप लोग दिखा रहे हैं और ये है साड़ी दुकान का अंदर का सीन। चलिए अंदर घुसते हैं और आप लोग दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो देख सकते हैं कितना कस्टमर लोग आए, न्यूज़ वाले भी आए हैं, पूरा यहाँ पर सब कवर कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ का सीन आप लोग दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो ये साड़ी का दुकान है एक्चुअली भैया का, बहुत दिन हो गया यहाँ पर साड़ी दुकान। और एक कस्टमर लोग भी आए हैं, अभी हम मालिक से थोड़ा बात करने की भी कोशिश करेंगे इस घटना के बारे में, इस वीडियो के बारे में। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीन है, ये दुकान का अंदर का सीन है। और यहाँ पर एक ऊपर में लक्ष्मी जी का निवास है, पशु जी सुनना चाहते, एक कुछ यहाँ पर गौ माता का फोटो है। देख सकते हो पदम भी यहाँ पर है, पदम डाक लिए वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में पूरी तरीके से छाया हुआ है। ये दुकान रायपुर के पंडरी का है और आप लोग दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके का सीन है। ये देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी आए हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे में देख सकते हो गौ माता यहाँ पर आ चुका है, यही गौ माता है। देख सकते हैं पीछे, ये देख सकते हैं यही वो गौ माता है और आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ का सीन। ये देख सकते हो रोज़ जाते हैं और आज भी यहाँ पर रोज़ आती है और मालकिन की तरह दुकान में चला जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा जा रहा है और आप लोग दिखा रहे हैं पूरा साक्षात, एकदम पूरी तरीका से, एकदम पूरा अचंभा यार, एकदम देखो भाई पूरी तरीका से अचंभा। देखो दरवाज़ा खुला नहीं है, फिर अपने आप दुकान खोल रहा है। देखो 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 भाई, देखो एकदम देख सकते हो यहाँ पर। अरे दादा भाई, ये करिश्मा से कम नहीं भाई, देख सकते हो। अरे बाप रे, ये भाई साक्षात एकदम भगवान है भाई, पूरा साक्षात भगवान है भाई। और देखो रिपोर्टिंग करने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साक्षात भगवान एकदम पूरे तरीके से। देखो पूरा बैठी हुई है एकदम। दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर गौ माता आ चुकी है और आप लोग दिखा रहे हैं। देखो एकदम बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, वायरल भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। देखो पदम सर इस दुकान का मालिक है, मालिक और मालकिन का। दोस्तों, हमारे साथ चंद्रमणि भी है और चंद्रमणि के मालिक भी है, कह सकते हो। तो दुकान में भी हम पहुंच चुके हैं, भैया एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। फाइनली आ चुके हैं हम, साक्षात भी देखे, एक करिश्मा से कम नहीं है, ऐसा लग रहा है साक्षात हम भगवान को देख लें ऐसा लग रहा है। अनुभव बताइए कैसा, कितना फील हो रहा है, कितना एनर्जी आ गए? देखो ये एक ऐसा प्रेम का माहौल है। गाय जो है वो सिर्फ समझ लीजिए कि गाय नहीं है,
ये गौ माता है, और जो गौ माता है वो 33 कोटि देव देवी का एक अंश है। और आज ये जो दुकान के अंदर स्वयं द्वार खोल के आती है, निश्चित तौर पे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि 33 कोटि देव देवी का समूह एक गाय के स्वरूप में, एक जगदम्बा के स्वरूप में, एक महालक्ष्मी के स्वरूप में हमारी दुकान पे आती है और हमें जो दुलार और आशीर्वाद प्रदान करती है, जिसका मैं जितना वर्णन करूँ शायद कम होगा। और आप तो मीडिया से सब आए हुए हैं और आप देख रहे हैं, और आप मुझसे ज़्यादा अच्छा वर्णन तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, गौ माता है ये, क्या क्या खाएगा अभी, कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये गौ माता जी एक्चुअली एप्पल खाती है, इसलिए इसको एप्पल वाला गाय भी बोलते हैं। अच्छा। ये एप्पल खाएगी, जब ये जाती है तो एप्पल खाती है, लेकिन ये भोजन या एप्पल खाने नहीं आती है, ये आती है बड़ी मस्ती से, बड़ी भक्ति से, बड़े आनंद से, और यहाँ बैठे रहेगी। अब जब इसकी मर्जी होगी तभी अपना उठेगी और जाएगी। तो हमारे साथ एक और भैया भी, अपना अनुभव आइए गौ माता के बारे। मैं अरविंद गोलछा, जय जी ने सबको। पहले तो यह है कि इस गौ माता के प्रभाव से जो मैं गौ अर्क ले रहा हूँ, अभी मैं ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हूँ और 2021 में मेरा ऑपरेशन हुआ था ब्रेस्ट कैंसर का। उसके पहले से ही ये गौमूत्र, जैसे ही डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है मुझको, तो मैंने ये गौ अर्क लेना चालू किया और प्रतिदिन खाली पेट ये गौ अर्क लेता हूँ। इस गौ अर्क का फायदा है कि मेरे को अभी तक सेकेंड टाइम जो पेट सिटी स्कैन हुआ 2024 में भी, उसमें भी मुझको कोई भी मतलब कैंसर की गठाने आगे नहीं बढ़ी, न डिटेक्ट हुआ, और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और स्वस्थ इतना स्वस्थ हूँ कि मैं कोई भी, हमारी जो धार्मिक क्रियाएं होती है, 8 दिन का प्रवचन महापर्व है जिसमें जहाँ जहाँ साधु संत लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं, और हम लोग वहाँ पर पूरी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मतलब प्रवचन, सवेरे का प्रतिक्रमण, उसके बाद दोपहर को भक्ति, ऐसा रात को प्रभु भक्ति, ऐसा प्रतिदिन का कार्यक्रम रहता है। वो पूरा एकदम बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई मतलब मेरे को कोई बाधा नहीं पहुंची, और स्वस्थ रूप से मैंने इसको पूरा किया है। शत प्रतिशत मतलब बेनिफिट मिला आपको, कह सकते भैया। गौ संरक्षण को लेकर क्या आप मतलब वो जागरूकता कर रहे अभी आने वाले? गौ संरक्षण को लेके मैं, वैसे तो हमारी मनोहर गौशाला खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में चल रही है, गौ संरक्षण के लिए मैं सबको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये गाय का संरक्षण, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लाखों करोड़ों रुपए का अगर संग्रह भी दे दिए, या उसे धन दौलत धन दे दिए, हीरे मोती भी दे दिए, तो भी वो अपना जीवन आने वाले 30-40 साल बाद नहीं जीवन यापन कर पाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे तो रोटी दाल चावल गेहूँ, दाल जो अन्न है वो खाएंगे। बहुत साधुवाद है, और अगर आपको मतलब बरकत दे, ये शुभकामना है, तो और यही आप प्रसारित करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गौ संदेश प्रदान करें, और गौ माता की रक्षा में आप अपनी पूर्णतः भूमिका निभाएं। जय जिनेन्द्र, जय गौ माता, जय जो। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपने देखा कि गाय जो है जिसको गौ माता कहते हैं, और वो एवरी डे जो है वो आती है, और इंसानों की तरह जैसे एक इंसान होता है उसको पता है कि ये रास्ता है और ये शॉप है, और इस शॉप के अंदर कहाँ से एंटर होना है, सीढ़ियों से, सेम टू सेम वैसे ही वो चल रही है और एंटर होती हैं, दरवाजा खुद खोलती हैं, उनको ये मालूम है कि इस शॉप का एंट्री कहाँ से है, मतलब कि एक जानवर को कैसे मालूम कि ये दरवाजा यहाँ से खुलेगा इसका, और यही वो शॉप है। तो ये एक होता है ना, आप वैसे तो जानवर को देखो ये तो पता होता है कि वो कहाँ पर उनको रहना है और कैसे कौन सी जगह क्या माहौल है, लेकिन उनको शॉप के बारे में मालूम होना ये बहुत ही बड़ी बात है, और वो वहाँ पर जाके बैठ जाती हैं, उनको मालूम है मुझे किधर जाके बैठना है। और इतनी मतलब कि मैं ये कहती हूँ कि ये कोई आम गाय नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आम गाय होती है उनको इतनी ज़्यादा शायद नॉलेज नहीं होगी जितनी कि इनको है, ये तो ऐसे जैसे ट्रेन होती है कोई चीज़ वैसे तो। और वैसे भी गाय माता को तो वैसे भी भगवान का रूप माना जाता है सनातन धर्म में, और वही चीज़ झलकी मुझे नज़र भी आ रही है जिस तरह से इसे बिठा इनकी जो एक्ट है और चल रही है और जाके बैठना, डायरेक्शन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है कि इनको ट्रेन किया गया है इसके लिए, शायद ये भी हो सकता है। और आपने देखा है कि जिस तरह से उसके ऊपर बैनर्स लगे हुए हैं, पिलर्स के ऊपर शॉप के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं, और उसकी जो बाहे की बैनर है वहां पर भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल से गौ माता का पिक्चर बना हुआ है, स्पेशली उस पर लिखा हुआ है।
सो ये एक अच्छा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पब्लिसिटी भी हो सकती है कि आपने उनको ट्रेन किया है ताकि जो है वो पब्लिक उनके थ्रू जो है आपकी कस्टमर डीलिंग हो सकता है, माइट बी। लेकिन ये है कि अगर वो भी है तो भी बहुत बड़ी बात है, एक जानवर को आप इतना ट्रेन कर रहे हो और वो यहाँ पर आ रही है और एवरी डे और आकर यहाँ पर बैठ रही है, बिल्कुल इंसानों की तरह एक्ट कर रही है। सो ये एक बहुत हैरान करने वाली बात है। तो गाइज मैं तो देख के हैरान हुई हूँ, और उन्होंने बताया गौमूत्र के बारे में कि उनसे वो काफ़ी हेल्थ उनकी अच्छी हुई है, और काफ़ी जो है वैसे हमारे यहाँ पर तो गौमूत्र को बहुत बुरा माना जाता है और मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखो हर किसी का अपना एक फेथ होता है। जैसे हमारे में ये होता है कि हमारे में लोग गोश्त खाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ठीक है वो अच्छा है, लेकिन सनातन धर्म में ये बुरा माना जाता है क्योंकि वो जो है ना कहते हैं कि किसी भी मुर्गी हो गई या गोट हो गया या कोई भी एनिमल, तो उसको आपने कट नहीं करना। लेकिन वहीं पर ही अगर मूत्र की बात की जाए तो सनातन धर्म में जो है वो इस लोग पीते हैं, लोग इसको मेडिकल तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं, जो कि उनकी नज़रों में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहीं पर एक देखो हर मज़हब में अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मैं ये समझती हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे कि अब अगर इससे उनको ट्रीटमेंट में फ़ायदा हो रहा है, हेल्थ के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है, तो हमें इस पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बाकी जो है हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, सो हमें हर किसी के कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन देयर ओन वे। सो फ्रेंड्स क्या कहेंगे इसके ऊपर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल। एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, रशिया समेत कई और देश, पोलैंड और इवन इजराइल, सब लोग कनाडा को कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी होगी, आपने हिटलर के जमाने के एक नाजी आदमी को अपने पार्लियामेंट में जगा दी, उसके लिए तालियां बजाई, ये बहुत गलत। राखी सावंत भाई उसके लिए तालियां बजाई, ये बहुत गलत है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़े तीर मारे हैं, और यकीन मानिए कनाडा के जो लोग हैं इस बात को लेकर अच्छे से अवेयर हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप देख पाओगे खालिस्तान टेररिज्म की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, और ट्विटर पे ना जिसको अब x.com कहा जाता है, वहां पे कुछ कैनेडियंस ने मिलकर एक पैरेडी अकाउंट ओपन किया था, मजाक का अकाउंट आपके लिए, इसका नाम है जस्टिन ट्रूडो का ईगो। यहाँ पे हाल ही में ट्वीट करी गई कि पिछले कुछ हफ्तों में तो बस कमाल ही कर दिया मैंने, पहले एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इंडिया को फोर्स कर दिया कि वो डिक्लेयर करे कनाडा को एज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, जो हमने किया भी था। उसके बाद मैंने ना लिटरली एक नाजी को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो आप कह लीजिए कनाडा का लोअर हाउस है लोकसभा कह लीजिए, वहां पे इन्वाइट किया, मगर तब भी मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं हूँ कनाडा का राजा, जो मर्जी मुझे करना है करूंगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, हिटलर के जमाने के नाजी जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में इन्वाइट क्यों किया, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनकी कोशिश थी यूक्रेन का समर्थन करने की, मगर सिंस इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं, मेन प्रॉब्लम ट्रूडो की यही है, इनको नॉलेज की कमी है, हिस्ट्री इनको पता नहीं है कि चीज़ों की हिस्ट्री क्या है, कैसे चीज़ें लिंक अप करती हैं, ये बस आज का देखते हैं कि मुझे आज क्या चाहिए, मेरी इमेज के लिए आज क्या ठीक रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर टू के नाजी को बुला दिया और उसके लिए तालियां बजवाई। और ये जो क्लिप है मैं चाहता हूँ कुछ सेकंड्स की, या मेरे साथ देखें। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कनेडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। आपने सुना ज़ेलेंस्की ने कनाडा के पार्लियामेंट में स्पीच दिया, और उसी दौरान ये आदमी, इसके लिए भी एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हुई। नाउ यहाँ पे अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, वेट ज़ेलेंस्की तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट, अचानक से ये कनाडा के लिए पहुंच गया। समझाता हूँ, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या है, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इस आदमी के पास कि इस आदमी की हिस्ट्री क्या है और क्यों इस आदमी के रीडेड एग्रीमेंट है, इसको नेक्स्ट लेवल पर हम ले जाएंगे, और वो उन्होंने किया भी। आप खुद सोच कर देखिए इस कंट्री की प्रायोरिटी क्या है, एलिवेट कर दिया ना ट्रेड के नाम पर कनेडियन गवर्नमेंट, तो ये सब कुछ सभी रेट नहीं कर पा रहे लोगों की, ना बेहतर 10 साल चलाएंगे ऐसे, तो क्या 10 साल तक
हमारे बिलियंस बिलियंस डॉलर्स हर कंट्री के ये यूक्रेन के पास जाते रहे, इसे बाकी लोगों से बेसिकली एंटी रशिया बात कर रहे थे, एंटी यूएसएसआर, रशिया को हराना है, हम रशिया को हराएं। वर्ल्ड वॉर टू में आप सबको इतना तो पता मिलेगा, मगर अचानक से ऑपरेशन बारबारोसा के अंडर या अब इस बीच ना लोगों को हिस्ट्री इसके बारे में आप एक स्मरण करेंगे। और रशिया ये बात भूले नहीं है, हिटलर को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी अपनी, तो हिटलर के लिए काम कर रहा था। लोग सिंपली ये कह रहे हैं कि इस आदमी को जो लिटरली एक नाजी था, ये आप ऐसे उसके लिए तालियां बजा रहे हो, करने की कोशिश करी थी। अगर मान लो, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए तालियां बजाई जा रही थी, ये वैसे फिता स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता लगा केंद्र से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने माफिया मांगी है रशियन से, पोलैंड से, सबसे, कि जिसको भी बुरा लगा हो गलती हो गई हमसे, हमने आदमी का बैकग्राउंड चेक किया नहीं था, हमें पता था नहीं कि वो किसकी तरफ से लड़ रहा था। बट एक बात तो तय है, जस्टिन ट्रूडो ने ना कुछ ही हफ्तों में, मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने कम टाइम फ्रेम में एक कंट्री की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने में देखा नहीं है। नहीं तो कनाडा आप अगर देखो तो काफी इनसिग्निफिकेंट सा कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, कम आबादी वगैरह, एक ठीक ठाक कंट्री था, लोग इसके बारे में ना कुछ अच्छा सोचते थे ना खराब सोचते थे। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ही हफ्तों में कनाडा की जो इमेज है दुनिया भर में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फाइनली वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूं,